माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बहुत सारे क्षेत्र जहां पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए हैं उनमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी है और ये जो एनर्जी ट्रांजिशन का फेस है इसमें पिछले 9 वर्षों में भारत की बहुत उपलब्धियां रही हैं। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर कैपेसिटी की बात करूं तो 2014 में 2.6 गीगावाट थी जो बढ़कर 71 गीगावाट हो गई है। विंड एनर्जी 21 गीगावाट थी जो बढ़कर 40 गीगावाट हो गई। आज अगर हम अपनी कुल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 15% तो रिन्यूएबल और अगर हाइड्रो मिला लें तो 25% लगभग उससे हम पूर्ति करते हैं। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से या नॉन फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज से होगी, नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से होगी। इसके प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता भी है और समय से पहले हमने बाकी टारगेट्स भी पूरे किए। आज जो बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है और इसके ऊपर लगभग 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लाकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा और इसके ऊपर 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 100% सेंट्रल ग्रांट रहेगी। अब इसके लाभ क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जैसा आप जानते हैं मौसम और दिन के अनुसार बदलती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन अगर मांग से अधिक होता है तो सोलर में आप उसको कैसे स्टोर करोगे? आपके पास अभी वो क्षमता देश में नहीं है। तो इसलिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में उसको स्टोर किया जाए तो उस क्षमता को बनाने के लिए इस योजना को लेकर आए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत 2030 तक अपना नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज के 50% का शेयर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी को राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसकी पर्याप्त क्षमता का विकास हमें करना होगा। वर्तमान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस योजना के आने के बाद जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग आपके पास उपलब्ध होगी तो 4000 मेगावाट आवर्स की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।